हिंदू एरिया में से मुसलमानों की कोई भी यात्रा निकलनी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जय श्री राम। मुस्लिम एरिया मध्ये मुस्लिमांचा डीजे हिंदू एरिया मध्ये अजिबात चालला नाही पाहिजे। जय श्री राम। मैं वारीपति, आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। मुंबई के भिंडी बाजार में हिंदू मुसलमान हुए आमने सामने। दरअसल मामला आपको बता दें, शुक्रवार रात का है, जहां पर मुंबई के भिंडी बाजार में हिंदू मुसलमान दो समुदाय आमने सामने आ गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुस्लिमों का एक जुलूस निकला हुआ था। ये आरोप था कि दूसरे समुदाय का कि जो मुस्लिमों का जुलूस निकला हुआ था उसमें तेज़ आवाज़ में साउंड बजाया जा रहा था, जिसके बाद उसको लेकर दूसरे हिंदू समुदाय ने आवाज़ उठाई, उसका विरोध किया, जिसके बाद देखते ही देखते माहौल काफ़ी गर्मा गया और दोनों तरफ से नारेबाजी होने लगी, जिसके बाद मुंबई पुलिस मौके पर पहुंची भारी दल से और मामले को शांत किया और सबको अपने घर भेज दिया। लेकिन हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखा रहे हैं, ये चाचा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, इन चाचा की नारेबाजी आप देखोगे, ये चाचा ने पूरी अपनी जान लगाकर अपने अंदर जो नफरती चिंटू जो झगड़े लगाते, जो दंगे फैलाते, वैसे नारे लगाना शुरू कर दिया। इन चाचा को देखिए, सबसे ज़्यादा यही चाचा सबके आगे आकर ऐसे नारे लगा रहे जैसे कि वहाँ पर दंगे होना ज़रूरी है। लेकिन मुंबई पुलिस ने भी अपना बल दिखाया और दोनों को शांत किया और अपनी बल की ताकत दिखाई और दोनों समुदाय को अपने अपने घर भेज दिया। क्या हुआ था वहाँ का वीडियो हम आपको पूरा दिखा रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद शफी है और मैं इसी एरिया का रहने वाला हूँ। ऐसे टाइमिंग नहीं पता, जब से हमने शोर सुना कि भाई पब्लिक बोल रही है कि भाई डीजे की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, वहां से पब्लिक सब आई, जय श्री राम के नारे लगाए, कुछ बच्चे यहां से भी आए, ठीक है, उसमें शोर हुआ। हम लोग जैसे पहुंचे, हमने इनको यहां से बोले कि भाई आप लोग थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा शांत नहीं रखो आप लोगों से, यहाँ के लोगों हमारे लोगों को कहा हमने कि भाई आप लोग भी थोड़ी शांति रखिए। फिर इनसे कहा गया, फिर अलहमदिल्ला जे जे मार बीपी रोड और डीसीपी ईसीपी साहब सब लोग आ गए और सबने कंट्रोल किया, पब्लिक को समझाया कि भाई यहाँ कुछ नहीं है, एकता बनाई रखी है, हिंदू मुस्लिम भाई है, भाई है, कोई डरने वाली बात नहीं, सब मिलके रहिए। वजह से डीजे को लेकर हुआ था। जी जी जी, ये भी कहा गया रोड काफी तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। हाँ, थोड़ी आवाज लो थी, वो थी वॉइस में थी, इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ कि वो लोग कह रहे कि भाई कोई पेशेंट होगा, कोई बीमार आदमी होगा, इसकी वजह से थोड़ा हुआ और फिर उन्होंने बंद कर दिया। जैसे टाइम हुआ उसके हिसाब से वो लोगों ने बंद कर दिया। अभी सिचुएशन नॉर्मल है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एरिया के जेजे मार्क और बीपी रोड पुलिस स्टेशन और डीसीपी साहब ईसीपी साहब हर कोई आए थे, उन्होंने आके कंट्रोल किया है, पब्लिक को समझाया और पब्लिक अपने अपने घरों पे चले गए। दोनों समुदाय के लोग आपस में आमने सामने आ गए? नहीं नहीं, पब्लिक जमा हो गई थी मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। नारे भी लगाए? जी हाँ, कुछ नारे लगाए गए थे, कुछ यहाँ से नारे लगे, कुछ वहाँ से नारे लगे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में आ गया है मामला। ओके सर, हिंदू एरिया में से मुसलमानों की कोई भी यात्रा निकलनी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जय श्री राम। बीपी रोड पुलिस स्टेशन की कार्रवाई एक तरफा होती है, हिंदुओं के ऊपर बहुत जुल्म करते हैं और मुसलमानों को बहुत ये सुविधा देते हैं, इसीलिए बीपी रोड पुलिस स्टेशन का हम एकदम विरोध करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो देखा आपने वहाँ का वीडियो, मुंबई पुलिस ने अपना बल दिखा के दोनों समुदाय को फिलहाल अपने घर भेज दिया और वहाँ का माहौल शांत है। लेकिन ऐसे लोग जो ये चाचा थे, जो अपने अंदर के नफरती चिंटुओं को बाहर निकाल कर लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ऐसे चाचा पे, ऐसे लोगों पर मुंबई पुलिस को एक अलग से कार्रवाई करना चाहिए कि ऐसी कार्रवाई करना चाहिए कि ऐसे लोगों की दोबारा ऐसी हरकत करने के लिए रूह कांप जाए। फिलहाल वहाँ का मामला काफ़ी शांत है और भारी पुलिस दल के तहत वहाँ पर बंदोबस्त लगा दिया गया है। ऐसे और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, आरिफ मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़ से।